तो लाहौर जनाब ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि आपको बचपन याद आने वाला है, बचपन इस तरह से याद आने वाला है कि आज हमारे पास बड़े जबरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब, एनक वाला जिनकी काश हामून जादूगर और चार्ली मामू। आपको क्या हुआ, अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे। मैं जरा आसमान की तरह देख रहा था, बड़ी दूर तक ये एनक मेरी काम करती है। अच्छा, क्या मैं देख रहा हूँ कहीं और महंगाई के चांसेस तो नहीं है? वो देख रहा हूँ महंगाई ने मतलब आप लोगों को भी जादूगरों को भी परेशान फर्क पड़ता है। हमने गलीन में पेट्रोल डलवाना होता है, हमने दुनिया में जब आते हैं तो यहीं से खाना होता है जी। केले भी तो खाने हैं, केले भी तो खाने चाहिए। जनाब असद भंडारा और हसीब पाशा ने हमें ज्वाइन किया, उसके साथ साथ जनाब हमारे पास टैलेंट में सिंगर मौजूद होंगे और साथ में गिटारिस्ट है, साथ खालिद हमारे साथ है और बॉबी हमारे साथ है। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलिए जनाब हम जरा अब पहले बात कर लेते हैं कि हसीब पाशा साहब और असद भंडारा में अभी डिस्कशन हम यही कर रहे थे कि बच्चे हम हमेशा से इसी नाम से जानते हैं, चार्ली मामू और हामू जादूगर। तो अब किसी दिन ऐसा भी होना चाहिए ना कि असल में नजर आए कि ये इनकी असल पर्सनैलिटीज क्या है और ये किस तरह से आते हैं और क्या इनकी असल जिंदगी है। चलिए आज तो आपके गेटअप में आप लोगों से जान लेते हैं, असल आपसे जानेंगे। चार्ली मामू का गेटअप इतना पॉपुलर रहा हमेशा से और आपका केले खाने का अंदाज सारी चीजें आज भी मैंने तो देखा हुआ है, डेफिनेटली एनक वाला जिन मुझे तो याद है। आपकी मेमोरीज किस तरह की इसके साथ एसोसिएटेड है? मेरा ख्याल है जब मैं इस गेटअप में आता हूँ तो मेरे अंदर वो करेक्टर जो है ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है, हमारे साथी बेचारे चले गए तो उनके लिए तो हमें अफसोस ही है। लेकिन इसका एक अपना ही मज़ा है कि आप इतने लॉन्ग लास्टिंग हो जाए आपका करेक्टर। मुझे हमें कोई दुख नहीं है कि हमने कुछ और नहीं किया इसके अलावा, क्योंकि हमें जितनी पॉपुलैरिटी इस करेक्टर ने दी है और एनक वाला जिन ए हमीद हमारे हफीज़ ताहिर उन लोगों की एफर्ट से तो वी आर स्टिल द सेम माशाल्लाह। हमें कोई कमी नहीं है, तो ये करेक्टर ही हमारी पहचान है। और डेफिनेटली जनाब ये करेक्टर इनकी पहचान तो है, लेकिन ये करेक्टर आप अभी भी देख सकते हैं। इनका हर संडे को अलहमरा में इनका ड्रामा होता है एनक वाला जिन, आप अपनी फैमिलीज के साथ जा सकते हो। और डेफिनेटली मेरी एज में जितने जितने लोगों ने ये सब देखा हुआ है वो मिस करते होंगे। तो अलहमरा में हर संडे को इनका ये शो होता है। आपको भी मैं ये सवाल करना चाहूंगी, आपको भी लोग हसीब पाशा से तो कम हामून जादूगर के नाम से ज्यादा? बिल्कुल, पहले बताइए कि हमें सबसे ज्यादा जो पहचान थी ना वो जकोटा जिन की थी। हाँ, वो जो छोटे से काले से गिट्ठे से वो फौरन पहली लुक में की जकोटा जीन ने। हाँ, हाँ, मेरे साथ ये होता है कि मुझे लड़कियां लड़के बच्चे देखते रहते हैं, आपको कहाँ देखा है, आप खालू बशीर के घर आए थे, आप आंटी बशीरा के पास आए थे, भाई कहीं नहीं मैं हामून। हाँ, फिर उनकी हाँ याद आ गया जी, हम हामून जादूगर। और वाकई ये करेक्टर ऐसा जहाँ चार्ली मामू ने कहा है कि हम इसी में जिंदा रहना चाहते हैं, आखिरी दम तक मरने दम तक हम चाहते हैं कि इसी करेक्टर में रहें, क्योंकि हमें कोई और इतना बड़ा रोल कोई चैनल नहीं दे सकता और शायद हमसे भी ना हो। हमसे भी नहीं होगा, जितना बड़ा रोल हमने कर लिया है और जितनी पहचान हो गई है, अब इतने 25 साल पुराना ड्रामा है ये, नया कोई भी कैरेक्टर करेंगे लोगों ने यही कहना है ये हामून जादूगर है। तो क्यों ना इसी कैरेक्टर में रहकर इस कैरेक्टर को जिंदा रखा जाए जिसे दूसरी नस्ल जानती है पहचानती है। हमें वहां बच्चे देखने आते हैं अलहमरा में, उनकी माए साथ आती हैं कि ये वो करेक्टर है जिनको हम अपने बचपन में देखा करते हैं। अच्छा साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे आपकी सिंगिंग करियर का आगाज कब से हुआ? सिंगिंग करियर अभी वैसे तो बचपन से ही स्कूल या कॉलेज के जमाने से गा रहे, लेकिन एज सच अपना अभी प्रॉपरली कोई 3-4 साल हुए तब मैं कुछ ट्रैक्स अपने रिकॉर्ड किए हैं तब से और गा रहा हूँ प्रॉपरली तब से। ठीक हो गया, तो आज हमें क्या सुनाने वाले हैं? सबसे पहले तो एतबार जो मेरा पर्सनल फेवरेट ट्रैक है जुनेद जमशेद, बहुत सारे लोगों का फेवरेट है जी। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा आ ही जाएगा।
जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरा जुनून, ये मेरी जलन है, मेरी सजा, मेरी ये थकन कह रही है क्या, सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। साथ हम चाहेंगे आपसे भी हमको ट्रैक सुनने, क्योंकि मेरा टाइम कम है, तो फिर हम आपसे कोई ट्रैक जी जरूर, मैं पैट्रियोटिक गाना गाना चाहूंगा, जज्बा जन। जबरदस्त जबरदस्त। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्त जू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी भी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है तक है दम में दम, होगी कभी हिम्मत न कम, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्त जू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। साथ तो आप किसी प्रॉपर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं? जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत मैंने ट्रेनिंग ली है अपने उस्ताद शफकत साहब, ठीक है, और बाकी खुद अपना मतलब घर में हारमोनियम वगैरह उसके ऊपर आप कर रहे हैं। तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कब तक एक्सपेक्टेड हैं? कोई मेरे कुछ नियर फ्यूचर में ही कुछ मेरे प्लान्स हैं अपने ही ट्रैक्स रिलीज करने के। लवली, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अजनब, हम चाहेंगे कि हम आप दोनों से भी एक एक मैसेज लें जो आप हमारे देखने वाले को देना चाहें, और हम ये खुद भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड चैनल होना चाहिए, उस पर एनक वाला जिन जरूर रिवाइव होना चाहिए। इसके अलावा आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे? चाली मामू, आपसे हम शुरू करेंगे। मैं बस उस दुख में से निकलना चाहता हूँ जो हमें पाकिस्तानी होने के नाते से पूरी दुनिया में ये देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है कि लोग हमें घूरते हैं कि यार पता नहीं ऐसे बंदों से हमने रिलेशन रखना है या नहीं रखना है। तो हमने अपना इमेज दुरुस्त करना है। अगर हमारा इमेज परफेक्ट हो जाता है तो हम एक नेशन है, तो हमें एज अ नेशन फाइट बैक करना चाहिए। ठीक हो गया, हसीब पाशा साहब आपकी बात। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि हम हर बात जो है हुकूमत पे और फौज पे फेंक देते हैं। फौज अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही है, दहशत गर्दों का खात्मा कर रही है, अंतहा तक चली गई है वो, उससे ज्यादा काम मेरा ख्याल है कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती।
वो अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपने तौर पर होशियार रहना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में कौन लोग आए हैं, कोई मशकूक चीज पड़ी हुई है, कोई बैग पड़ा हुआ है, जो लोग नया चेहरा मोहल्ले में आता है आप उसके निशानदेही करें, उसको देखें, और खास तौर पर बच्चों के लिए कि जहां पर आपके माँ बाप कहते हैं वहां पर आप जाएं, वो जो कहते हैं वो चीज खाएं, किसी से कोई चीज लेकर ना खाएं आप, और बिला वजह किसी के साथ ना जाएं, जिसको आप नहीं जानते उसके साथ कहीं ना जाएं, फौरी तौर पर अपने अम्मी अब्बू को बताएं कि ये हमें बुला रहा है, ये कह रहा है, ताकि उसका सदे बाप हो और बच्चों का अगवा जो है उसको खत्म हो सके। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, जब भी आप आते हैं हमारे सेट पे रौनक लग जाती है, थैंक यू सो मच। और जनाब हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, हमें फीडबैक का शिद्दत से इंतजार रहता है, हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर के नाम से, और आज का शो अगर आप मिस कर चुके हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा, और हमारा यूट्यूब चैनल है जागो लाहौर का और लाहौर न्यूज का, आप वहां पर जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे सारे एपिसोड वहां मिल जाएंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।